तो ये जो ट्रिक अप्लाई हो रही है कम से कम 20 मैकबुक पे चलेगी, एक दो पे नहीं चलेगी। जो ये ट्रिक है ये सारे पे चलेगी। हाय फ्रेंड्स, आज हमारे पास मैकबुक है। आप देख सकते हो कि इतने, अगर हमने इसको 30 डिग्री रखा है, ये 30 डिग्री है, अगर 30 डिग्री है तो डिस्प्ले आ रहा है। जैसे ही हम इसको थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे ऐसे ही इसका डिस्प्ले चला जाएगा। ये देखिए चला गया। और ये फिर लेके आएंगे तो अब नहीं आ रहा है, पूरा बंद करना पड़ेगा इसको। और ये फिर से खोल रहे हैं, देखिए अब फिर से डिस्प्ले आ चुका है। ठीक है, अभी मैं इसको पूरा ले जाऊंगा तो चला जाएगा। इसको बोलते हैं 90 डिग्री प्रॉब्लम, मतलब 90 डिग्री पे आते ही इसका डिस्प्ले चला जाता है, 30 डिग्री पे है तो आएगा डिस्प्ले। देखिए अभी ये डिस्प्ले आ रहा है, सारा माउस वगैरह चल रहा है पूरा अच्छे से, आप देख सकते हो कीबोर्ड चल रहा है पूरा। ठीक है, ये देखिए सब कुछ चल रहा है, इसका बैक बटन वगैरह सब कुछ चल रहा है। ठीक है, ये माउस चल रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको ऐसे पूरा खोलेंगे तो डिस्प्ले चला जाएगा। आप देखो कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, चाहे मैं जो कर लूँ। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि इसका प्रॉब्लम क्या है। देखिए आ नहीं रहा है, पूरा बंद करना पड़ेगा और फिर से खोलेंगे। ये देखिए फिर से आ गया। एक्चुअली में इसमें फ्लेक्स गेट का प्रॉब्लम है, और अगर फ्लेक्स गेट का प्रॉब्लम होता है तो सर्विस सेंटर चार्ज करता है मिनिमम 35,000 तक का चार्ज करता है। ठीक है, और हम इसको फिक्स करेंगे और देखते हैं कि बनता है कि नहीं। देखिए फिर से डिस्प्ले चला गया। ओके, और ये मॉडल नंबर है, वन सेवन जीरो सेवन, आप देख सकते हो 1707 इसका मॉडल नंबर है, ये यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं अपन। देखिए बात ऐसी है कि ये 1707 हो या ये 2141 हो या M1 हो, मुझे मॉडल से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। फ्लैक्स गेट बनाना है, मतलब फ्लैक्स गेट रिपेयर करना है, मतलब हम फ्लैक्स गेट रिपेयर करेंगे। बिकॉज एप्पल ने जो लाइट सेक्शन बनाया हुआ है वो मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कि वो 2017, 18, 19 और मे बी 20 भी ऐसा ही होगा, याद नहीं आ रहा है अभी, बट लाइट सेक्शन एकदम सेम है और फ्लेक्स गेट भी एकदम सेम है, 2016 का भी सेम है, सारा कुछ ही सेम है। तो ये जो ट्रिक अप्लाई हो रही है कम से कम 20 मैकबुक पे चलेगी, एक दो पे नहीं चलेगी। जो ये ट्रिक है ये सारे पे चलेगी। और अगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और भी, कि ये बहुत ही कॉमन इशू है, जो 30 डिग्री या जो 30 डिग्री पे होल्ड करने पर डिस्प्ले आता है और 90 डिग्री करते ही डिस्प्ले चला जाता है। कुछ लोग इसको बोलते हैं 90 डिग्री प्रॉब्लम, कुछ लोग इसको बोलते हैं मतलब कि एक्सटर्नल डिस्प्ले लगा के और ऐसे आ रहा है ऐसे नहीं आ रहा है करके ना, तो वो वाली प्रॉब्लम है। तो अभी देखिए मैंने इसका फ्लेक्स ही कट कर दिया, जहाँ से ये कट था मतलब ऑलरेडी कट था, और इस पर थोड़ा सा थिनर अप्लाई करके और इसको स्क्रैच कर रहे हैं। ये जो फ्लेक्स है ये डिस्प्ले का है, आपको दोनों साइड वीडियो दिख रही है, हम इसको बीच में इनहेंस भी कर देंगे और सारा कुछ कर देंगे। और मैं आपको एकदम छोटी सी इन्फॉर्मेशन, ये जब तक वीडियो चल रही है मैं आपको देना चाहता हूँ। अभी जो ये काम हम कर रहे हैं, ये जो काम है, अगर आप सर्विस सेंटर में जाएंगे, आई प्लेट पे जाएंगे या तो एप्पल केयर में जाएंगे, तो वो सीधा आपको बोलेंगे कि आपको डिस्प्ले ही चेंज करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं। ठीक है, और डिस्प्ले का कॉस्ट 45,000 से 50,000 होता है, इसके बाद भी टैक्स वगैरह मिला के ऐसे कुछ होता है। और इसके बाद भी ये लोग 90 डेज़ की गारंटी देते हैं, 90 डेज़ की गारंटी हम भी देते हैं। और जो हमारा प्राइस है वो 12,000 का है ओनली, और हम आपको 90 डेज़ का नहीं, हम आपको गारंटी देते हैं, आप पानी मत डालो और आप ख़राब मत करो, आप 120 दिन की गारंटी ले लो हमसे, 120 डेज की गारंटी देते हैं।
ठीक है, मतलब 4 महीने हो गए, ये 4 मंथ हो गई है, ठीक है। और आप देखिए, मैं कोई भी जंपरिंग नहीं करूँगा, मतलब कोई भी वायर नहीं ज्वाइन करूँगा, फ्लैक्स टू फ्लैक्स काम होगा। और हमारा आज तक मैंने अनकाउंटेबल बनाया हुआ है ये, अनकाउंटेबल मतलब अनकाउंटेबल, मुझे काउंट भी नहीं है इतना मैंने इसको रिपेयर किया हुआ है। और आज तक सिंगल पीस भी रिटर्न नहीं आया हुआ, मतलब लोगों ने पीसी लिया है, 1 साल बाद खराब हो गया है, और हमने उनको बना के दिया है, और 3-3 साल हो रहे हैं और उनके खराब नहीं हो रहे, मतलब तो हमारे काम में दम है। और आप देखिए, हम इसको ओनली जो जहाँ पे हमने ट्वीज़र रखा है वहाँ तक ही इसको स्क्रैच करेंगे, ठीक है, और इसके बाद इस पर दूसरा फ्लेक्स लगा के और एकदम माउंट टू माउंट करके एकदम जेन्युइन काम करेंगे। ये इस पर थोड़ा सा पीपीडी और पेस्ट का मिक्स डाला है, बिकॉज इसको कलर करना पड़ेगा, मतलब इसका जो कॉपर है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा हमारी पीपीडी के साथ में, नहीं तो जो फ्लेक्स है वो प्रॉपर ज्वाइंट नहीं होगा, ठीक है। आशा करता हूँ मेरी सारी बातें आपको समझ में आएगी, बिकॉज मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ बहुत ही क्लियर कर रहा हूँ, और इसमें गैप थोड़ा कम होता है, इसीलिए बार बार फ्लेक्स ऊपर नीचे हो रहा है ना। तो फिर भी हम पूरा आपको ट्रिक देने का ट्राई कर रहे हैं कि सारी ही ट्रिक आपको पता चल जाए। यार बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है हमें, क्योंकि मतलब लोगों के कमेंट ऐसे आते हैं, पूरा फुल प्रोसेस का वीडियो बना के दिया हुआ है, टॉप टू एंड वीडियो सारे बनाए हुए हैं, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक सारे वीडियो बनाए हुए हैं। बिकॉज हम लोग जो भी वीडियो बनाते हैं, हमारा ट्रेनिंग सेंटर भी है, हमारी ऑफिस भी है, तो सारे स्टूडेंट भी यहाँ रहते हैं और सारा स्टाफ भी यहाँ रहता है, तो इसमें ये वाली बात है कि हमने इतना अच्छा वीडियो टॉप टू बॉटम बनाया हुआ है, इसके बाद भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या OSS पे हो जाएगा, क्या GC पे हो जाएगा, क्या ऐसे हो जाएगा। आप एक बार पूरी वीडियो तो देखो, अगर आप पूरी वीडियो विदाउट स्किप देखोगे तो 100% आपको पूरा मेथड समझ में आएगा। अगर आप थोड़ा भी स्किप कर दोगे, उसमें कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो ट्रिक मिस हो गई अगर, तो आप फिर वो काम नहीं कर पाओगे, है ना। तो अगर आप पूरा फॉलो करोगे कोई भी वीडियो को और आपका काम नहीं बना, तो मैं आपको फ्री में करके दूंगा। आप इधर आओ, वही चीज़ लेके आओ और मैं आपके सामने करके दूंगा, ठीक है। और हमारा ऑफिस बेंगलोर में SP रोड पे है, ठीक है। रिलाई बेंगलोर के नाम से आप कभी भी गूगल मैप पे सर्च कर सकते हो, रिलाई बेंगलोर करके आप कभी भी गूगल मैप पे सर्च कर दो और आपको एकदम एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगी। हमारा ऑफिस है लूसिया सिटी सेंटर में, 4th फ्लोर पे, 423 शॉप नंबर है हमारा, ठीक है। तो बात ऐसी है कि इतना बुरा लगता है कि इतना इजी वीडियो, इतनी इजी लैंग्वेज, मतलब हिंदी लैंग्वेज तो सबसे ही इजी है ना, इसमें इतना डिटेल वीडियो बनाने के बाद भी लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि टैग कैसे लगाएं, ये कैसे करें, वो कैसे करें, ऐसा कैसे करें, वैसा कैसे करें। यार मतलब इतनी सारी कमेंटों का तो कैसे जवाब दें, जबकि वो सारी कमेंटों का जो जवाब है वो हमारी वीडियो में ही है। तो बात ऐसी है कि हमने ना जो भी हम सब्जेक्ट पे वीडियो बनाते हैं ना, वो बहुत सारी वीडियोस देख के ही हम वीडियो बनाते हैं और उसको इजी टू गो करते हैं, ठीक है। तो सारे स्टेप बताते हैं, इसके बाद भी आप लोग कमेंट करते हो, मतलब आप लोग वीडियो पूरी नहीं देख रहे हो। अगर आप लोग पूरी वीडियो देखोगे तो आपको सारा स्टेप पता चलेगा कि पहले क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, सारे स्टेप हम बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर इसके बाद भी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग क्या चाहते हो कि हम आपके शॉप पर आके बना दें? यार ये मतलब तो एकदम ही वो हो गया, मतलब हम जब भी वीडियो बनाते हैं तो जो वीडियो है उसको यूट्यूब पे देखते हैं कि कितने लोगों ने बना रखी है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सारों में क्या क्या प्रॉब्लम है जो लोगों को नहीं समझ में आ रही अभी भी, और उसके बाद वो सारा फॉर्मेट निकालते हैं और उसको ईजी टू गो करते हैं, मतलब एकदम आसानी से वो लोगों के पास पहुँच जाए, ठीक है। और
जो भी हमारी वीडियो शूट होती हैं वो एकदम मतलब है ना लाइव होती है, मतलब हमारे सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ठीक है, तो इसमें ना सारे स्टूडेंट सामने ही बैठे हुए हैं, मतलब मेरे पीछे बैठे हुए हैं, और जो आप स्क्रीन देख रहे हो ये सारी स्क्रीन वो लोग भी देख रहे हैं, बस ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, इतनी सी ही बात है ना, और वो लोग सारा देखते हैं। अगर आप ही सोचो कि हम स्टूडेंट के सामने कैसे गलत कर सकते हैं, जो लोग हमारे पास सीखने आते हैं उनके साथ कैसे गलत कर सकते हैं। अगर जो टाइप की वीडियो हम लोग मतलब पूरा रिसर्च करते हैं पहले, तो कि इस टाइप की वीडियो कितने कितने बनाई है और उसमें क्या क्या कमी है जो लोगों को समझ में नहीं आ रही है, तो उसके बाद जो हम लोग वीडियोस बनाते हैं उसमें वो जो सारी कमियां हैं उसको दूर करते हैं ठीक है। और हमारे जैसी वीडियो अगर आपको कहीं दिख जाए इस सब्जेक्ट पे इतना डिटेल्ड, तो प्लीज़ हमको कमेंट करके बताइए, और उसका लिंक भी मेंशन करिए आप कि आपसे अच्छी वीडियो है ये, और हम अपनी गलती, क्योंकि इंसान है तो गलती करता ही सारा बंदा, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम अपना सबसे बेस्ट बना रहे हैं, और अगर आपको कहीं इससे अच्छा बेस्ट मिल रहा है इतनी इजी लैंग्वेज में, तो प्लीज़ मेंशन कीजिए, हम उसको देख के अपनी गलती सुधारेंगे, लेकिन हम टोटली श्योर हैं कि इतना इजी और सारा स्टेप बताने वाला जो भी वीडियो है वो खाली हमारा ही है, हमें ऐसा लगता है। अगर आपको कुछ और लगता है तो ठीक ही है, आप मेंशन कीजिए, वो लिंक को हम देख के और अपनी गलती सुधारेंगे। और हम बहुत आउट ऑफ द ट्रैक चले गए थे, भावनाओं में बह गए थे ठीक है, तो अभी हम आ रहे हैं, और हमने दूसरे फ्लेक्स को और मेन फ्लेक्स पे लगा दिया है, उसको टर्न बाय टर्न हम सॉल्व करते जा रहे हैं ठीक है, कोई जंपर नहीं है कोई वायर नहीं है, आप खुद देख सकते हो कोई जंपर नहीं है कोई वायर नहीं है, नीचे वाले पत्ते को टोटल छिला है, अगर देसी लैंग्वेज में बात करूँ तो मैं जो लोअर फ्लेक्स है जो डिस्प्ले का फ्लेक्स है उसको टोटल छील लिया है, और इसके बाद दूसरा फ्लेक्स लिया है उसको भी छील दिया है सेम साइड से, और दोनों को मिला दिया है, मतलब स्त्री और पुरुष का मेल करा दिया है, मेल फीमेल का मेल करा दिया है, और अब हम मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं कोई लाइन आपस में तो शॉर्ट नहीं है, बिकॉज ये 50 वोल्ट प्लस निकालता है लाइट सेक्शन और पूरा बर्न हो जाएगा अगर हमने यहाँ कुछ शॉर्ट कर दिया तो। और अब मैं यहाँ आयरन लगाने का मैटर ये है क्योंकि इनका रिश्ता मजबूत हो जाए, हमें रिश्ते मजबूत ही चाहिए, नालायक रिश्ते नहीं चाहिए, जैसे कि बहुत सारे लोग जो आके देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, मतलब आप सोचो कि 30% सब्सक्राइबर देख रहे हैं और 70% नॉन सब्सक्राइबर देख रहे हैं, वो देख ले रहे हैं और पता नहीं किस जलन से सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे को नहीं समझ में आता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो, आप सब्सक्राइब करोगे तो हमको स्ट्रेंथ मिलेगा यार, ऐसे मत करो, आपको सॉल्यूशन लेके आप चुपचाप निकल जा रहे हो, ये तो एकदम मतलब फिर तो या तो मतलब डैडी ओरिजिनल नहीं है तो बेटा ओरिजिनल नहीं है ठीक है, ऐसे ही वाला ही मैटर है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, बाकी तो ठीक है, अभी हमने कुछ भी चेक नहीं किया है और ये फिर से फिटिंग हो रहा है ना, मतलब पूरा फ्लेक्स हमने बॉन्ड कर दिया है सारा कुछ है ना, और इसको फिर से ये सुराज इसको असेंबल कर रहा है, और आप देखिए हमने कुछ भी टेस्ट नहीं किया, हमने बोला सीधा असेंबल करो, बिकॉज हमको हमारे काम पे इतना भरोसा है, इतना भरोसा है उतना भरोसा है, और ये सुराज को मैंने बोला एक बार यार डिस्प्ले लगा के चेक कर ले, तो बोल रहा है कि भैया हमको भरोसा है 100% आएगा, और मैं 100% बोल रहा हूँ कि जो ये वीडियो है ये पूरी लाइव है, और कम से कम बैक स्क्रीन 10 लोग खड़े हैं, अगर मैं कभी बैक स्क्रीन का वीडियो डालूंगा शॉर्ट्स में डालूंगा आप लोग देख लेना कि बैक स्क्रीन में कितने लोग होते हैं, जब वीडियो शूट होता है ना तो कितने लोग होते हैं, तो हम लोग बिहाइंड स्क्रीन भी डालेंगे, टेंशन मत लीजिए आप, और ये सीधा फिटिंग करने लग गया, मुझे भी थोड़ा सा ऐसे था कि यार एक बार चेक तो कर लेता, तो कहता है नहीं आप करोगे तो 100% ही होगा, तो ये सारा कॉन्फिडेंट होता है, और ये लोगों के अंदर कॉन्फिडेंट कब आता है क्योंकि वो लोग इतनी बार काम करा के रहते हैं ना, तो उन लोग के अंदर
आप ऑटोमेटिक जनरेट होता है कि सर आपने किया है तो होगा ही होगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। और सीधा आप देखो टॉप सीधा बॉटम केस फिटिंग कर रहे हैं और सारे स्क्रू लगा रहे हैं, ठीक है। बाकी तो भगवान ही मालिक है, अपन ने कर्म कभी गलत किए नहीं तो अपने साथ गलत होता नहीं है, है ना। ट्राई करेंगे कि ये ऑन होता है या नहीं होता है, हमने जो काम किया है वो सक्सेस है कि नहीं है। बाकी स्टाफ को तो पूरा भरोसा है हमारे कि जैसा कि आप देख सकते हो इस पेपर लोग आ गया है विदाउट चेकिंग, अदरवाइज लोग पूरा चेक करते हैं LCD लगा के, पहले ही लोगों आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब लाइट आ रही है नहीं आ रही ना। जो हमारा मकसद खाली यही है कि आपकी लाइफ को थोड़ा सा ईजी बना दें और आपका जो काम है जो हमें आता है और जो हम आपको ऑनलाइन बता सकते हैं, तो आप देखो पूरा जो डिस्प्ले है वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे ओपन है, 90 डिग्री पे ओपन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो हमारा जो मकसद है खाली यही है कि आपकी जो डेली रूटीन का काम है उसको हम इजी बना दें। अगर आपसे नहीं हो रहा है या आपको कोई प्रॉब्लम है तो या तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या आप हमको काम भेज सकते हो, या तो हम आप हमारे पास सीखने के लिए आ सकते हो। और देख लीजिए वो कितनी भी बार हम फोल्ड कर रहे हैं या उठा रहे हैं और डिस्प्ले स्टिल अवेलेबल है, मतलब देखिए आप देख रहे हो, मतलब ये पहले क्या था कि ये स्टॉप हो जा रहा था। और कोई बात नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना प्यार जैसे बना रहे हो ऐसे ही बनाए रखिए, बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार। ओके बाय।